उत्तराखंड में खनन माफिया खुद को नियम कानून से ऊपर मानते हैं। खनन माफियाओं के अवैध खनन करने पर जब एक किसान ने आपत्ति की तो खनन माफिया गुंडागर्दी पर उतर आए और किसान के घर में घुसकर महिलाओं तक से मारपीट की। भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम मानुबास क्षेत्र में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं के द्वारा लगातार नदियों का सीना चीर कर अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है। जब मानुबास के किसान के द्वारा खेत में खनन का ट्रैक्टर ले जाने व रास्ता खराब किए जाने का विरोध किया गया तो किसान के घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट व अभद्रता की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं अगले दिन सुबह एक बार फिर खेत में खनन माफियाओं के द्वारा फसल खराब की गई, जिसका वीडियो बनाकर पुलिस को दिया गया है। किसान का आरोप है कि वीडियो बनाने के कुछ ही समय बाद 10 से 15 खनन माफियाओं ने उनके घर पर धावा बोल दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए महिलाओं के साथ मारपीट की। उच्च अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। घटना की तहरीर किए जाने के बाद गांव में पुलिस भी पहुंची और घटना की जानकारी ली, लेकिन खनन माफियाओं पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आया था और हमने उसे कहा भाई तो अपने घर जा, वो मेरे बच्चों को मारन चेतन गाड़ी गप्तार देने लगा। मैंने कहा भाई मारा मुंह नहीं बोलने लगा, मेरी लड़की मरी हुई कह दी, मेरी लड़की मरी कोई जुबान जपान जागती मर रही। मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े, वो नहीं मानना। फिर वो जी मानना बुला लिया, उसने मारा छेती करने शुरू कर दी, वो मानना खूब छेत्या। फिर दूसरा लड़का आया उन्होंने वो छेत्या। तो कल वहाँ पर जो अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ट्रोली थे, वहाँ 5-6 ट्रैक्टर धसे। हमने चेतक कर्मियों को सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी, इनके खेत में ट्रैक्टर बांट दिया, मुंजी धान की फसल होगी बर्बाद धसने के बाद। इंस्पेक्टर साहब ने चेतक कर्मी भेजे, चेतक कर्मी हमें आश्वासन देंगे कि कल से आपके इस घाट पर हम ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो गए जी। उसके बाद सुबह क्या काम होता, सुबह 5 ट्रैक्टर वहाँ पर फिर धसे, फिर इसके खेत में नुकसान हुआ। तो इन्होंने एक वीडियो बनाकर उनकी और वहाँ भेज दी थाने में। तो थाने में जैसे इन्होंने वीडियो भेजी, उसी के तुरंत 15 मिनट के बाद जिसके वो ट्रैक्टर थे, वो 10-15 व्यक्ति इकट्ठे होकर यहाँ अवल इसका घर है सामने, इस घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद इसकी स्कूटी खड़ी थी, यहाँ आकर गाली गलौज करी कि स्कूटी वाला कहाँ से बुलाओ, इसे हम सही करेंगे, इसका गोली मारेंगे। हमारी माता बहन थी अंदर, उनकी साथ बदतमीजी करी, जैसे ही हमने इसे फ़ोन करके बुलाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।